गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th के फिजिक्स में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस बीमी विश्लेषण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बीमा का उपयोग पढ़ लिया था। बीमा के तीन उपयोग में पहला उपयोग था दी गई भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, फिर भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच ज्ञात करना, और फिर था आपका दी गई भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने के अलावा था अज्ञात राशियों को ज्ञात करना। इसी भी भौतिक समीकरण में अज्ञात राशियों को ज्ञात करना। देखिए, आज हम आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चन इसके बीमा के उपयोग की करा देंगे। तीनों उपयोग का हमने एग्जाम्पल कराया है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल हम कराते हैं, जैसे अज्ञात राशियों को ज्ञात करना, अज्ञात राशियों को दिए गए भौतिक समीकरण में ज्ञात करना। इतने ही वीडियो बनाए हमने, सभी वीडियो को आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और आप जानते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है भौतिक विज्ञान आने वाला नहीं। सभी वीडियो को देखिए, उसको पढ़िए, पढ़ने पर थोड़ा समय दीजिए, तब सारी चीज़ें जो है आपको स्पष्ट होंगी। देखिए, एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझा रहे हैं। मान लीजिए ये दिया है, क्या भौतिक समीकरण, भौतिक समीकरण v इक्वल टू एक्स प्लस वाई में v वेग है, t समय है, तथा यक्स वाई अज्ञात राशि है। अज्ञात राशियां हैं तो इनकी बीमाएं ज्ञात कीजिए तथा मात्र ज्ञात कीजिए। मान लीजिए तो कैसे किया जाएगा, देखिए सोल्यूशन v इक्वल टू एक्स प्लस वाई, v वेग है, t समय है। हम लोगों ने पढ़ा है समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस भौतिक राशि और इस भौतिक राशि, दोनों भौतिक राशियां सेम और सेम टाइप की होंगी, इसीलिए इन दोनों को जोड़ सकते हैं, या अगर माइनस साइन होता तो भी घटा सकते थे, ठीक है। तो समान प्रकार की भौतिक राशियों को या आपस में जोड़ा तो घटा जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी। और बताया गया था कि दिया गया भौतिक समीकरण तभी सत्य होता है जबकि बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा समान है, यानी जो बीमा इसकी होगी वही बीमा इसकी होगी, वही बीमा इसकी होगी, ठीक। दोनों पक्षों की बीमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या लिखें, क्योंकि
दोनों बच्चों की बीमारी समान होती हैं, अतः यक्ष की बीमा बराबर वी की बीमा। यक्ष जो कि अज्ञात राशि है, इसकी बीमा ज्ञात करनी है, तो देखिए ये किसकी बीमा के बराबर हो गया, तो वी की बीमा के बराबर। वी क्या है? वेग, और वेग की बीमा हम बता चुके हैं कि वेग की बीमा पहले ही वीडियो में निकाल के दिखा चुके हैं, समझा चुके हैं सारी चीजें। तो वेग की बीमा एलटी माइनस वन होता है, तो यक्ष की बीमा भी क्या हो गया? एलटी माइनस वन। ठीक, ये यक्ष किस प्रकार के भौतिक राशि हो गया? तो ये वेग, वेग हो गया एक प्रकार। ठीक, क्योंकि वी की बीमा के बराबर यक्ष की बीमा बराबर वी, यानी ये भौतिक राशि क्या हो गया? वेग हो गया। ठीक है, अगर त्वरण होता तो त्वरण की बीमा भी बता चुके हैं पहले ही, कितनी होती है त्वरण की बीमा? एलटी माइनस टू होती है। ठीक, ये सारी बीमाएं हम लोगों ने निकाल दिया था, बल की बीमा निकाला था हमने, क्या एम एल टी माइनस टू होती है, ऊर्जा कार्य बल आपूर्ति, इन सब की भी बीमा हमने निकाला था। क्या होता था? तो एम एल की पावर टू और टी की पावर माइनस टू होता था, यहाँ जैसे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ देखा गया। अब देखिए, हमने ये तो जान लिया ये एक्स की बीमा वी की बीमा के बराबर होगा, और वी की बीमा हमने इसी तरह वाई टी की जो बीमा होगी वो भी चाहे एक्स की बीमा के बराबर या वी की बीमा के बराबर, यानी हम लोग लिख सकते हैं वाई टी की बीमा इसी प्रकार का, इसी प्रकार वाई टी की बीमा बराबर भी किसकी बीमा? वेग, यानी वी की बीमा। तो हमें तो वाई की चाहिए ना, तो वाई की बीमा बराबर क्या लिख देंगे? वी की बीमा, और वाई के साथ टी इंटू में था, जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो टी की बीमा तो हम लोगों को मिल जाएगा। वी की बीमा की जगह क्या लिख देंगे? एल टी माइनस वन, और टी समय है तो इसकी बीमा टी हो जाएगा, टी की पावर वन होता है। ठीक, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन पहले से एक और माइनस वन हो गया, तो यह टी की पावर माइनस टू, यानी ये क्या हो गया? ये किसका बिंदु सूत्र होता है? त्वरण का बिंदु सूत्र होता है। इसका मतलब ये है कि वाई किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो वाई जो है वो एल टी माइनस टू, यानी त्वरण, त्वरण है। ठीक, यानी वाई किस प्रकार की भौतिक राशि है? त्वरण है। ठीक, वाई किस भौतिक राशि को अभिव्यक्त करता है? त्वरण को अभिव्यक्त करता है। यक्ष किस भौतिक राशि को अभिव्यक्त करता है? तो वेग को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, अगर मात्रक पूछता तो मात्रक हम लोग लिख सकते थे कि यक्ष का मात्रक होगा इसका मीटर इसका सेकेंड, तो मीटर सेकेंड की पावर माइनस वन, और इसका हम लोग लिख सकते थे मीटर और सेकेंड की पावर माइनस टू। ये त्वरण का होता है और ये वेग का होता है मात्रक, यानी कहने का मतलब है ये वेग को अभिव्यक्त कर रहा है और ये किसको अभिव्यक्त कर रहा है? तो ये त्वरण को अभिव्यक्त कर रहा है, ये त्वरण का मात्रक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग जो है अज्ञात राशियों को दिए गए भौतिक समीकरण में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आइए और एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसको समझने से पहले आप लोग जान लीजिए, हमने दाब का बीमी सूत्र बताया था और आयतन का भी बीमी सूत्र बताया था। दाब का बीमी सूत्र हमने क्या बताया था? तो दाब का बीमी सूत्र हमने निकाला था एम एल माइनस वन,
टी माइनस टू। दाब होता क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का एम एन टी माइनस टू और क्षेत्रफल का एन की पावर करके हमने दाब का बिंबी सूत्र निकाल लिया। इसी तरह आयतन का भी हमने बिंबी सूत्र लिखा था, आयतन का बिंबी सूत्र क्या होता है, तो एल की पावर थ्री होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर दो लेते हैं। ठीक, ये क्या है देखिए, ये इक्वेशन है वांडर वाल गैस समीकरण। क्या होता है वांडर वाल गैस समीकरण, तो ये है हम लोग का पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। में पी दाब है तथा वी आयतन है, पी दाब है वी आयतन है तथा स्मॉल ए और बी अज्ञात राशियां हैं, अज्ञात राशियां हैं, इनकी विमाएं ज्ञात कीजिए, इनकी विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग के सामने वांडर वाल गैस समीकरण लिखा हुआ है। क्या वांडर वाल गैस समीकरण, पी प्लस ए बटे बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी, वास्तविक गैस समीकरण या वांडर वाल गैस समीकरण में पी क्या है दाब है, बी क्या है आयतन है तथा ए और बी अज्ञात राशि है, इनकी विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये P और ये दोनों एक साथ लिखे गए हैं, मतलब प्लस का चिन्ह है। और अभी हमने नोट में बताया था कि समान प्रकार की भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, यानी कहने का मतलब जो बीमा इसका होगा वही बीमा इसका होगा। यानी अब इसको कैसे हल करेंगे देखिए, तो इसको हम लोग इस तरह हल करते हैं। कैसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बट्टे वी स्क्वायर की विमा बराबर पी की विमा। ए तो अज्ञात राशि है लेकिन वी तो मालूम है कि आयतन है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे, ये बट्टे में है उस साइड जाएगा तो गुणे के रूप में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब कि ए की विमा बराबर पी की विमा इंटू वी स्क्वायर की विमा हो जाएगी। पी अभी हमने बताया दाब है, और दाब का बीमा सूत्र पहले से हमने क्लियर कर दिया था, इसलिए दाब को हमने फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में दाब का बीमा सूत्र कैसे निकलता है ये हमने दिखाया था। ठीक है, आप उसको अच्छी तरह से देखिए समझिए और फिर इसको करेंगे। ठीक है, हर चीज आपको आना चाहिए, कैसे निकालते हैं बीमा सूत्र, कैसे अज्ञात राशियों के मध्य में संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, समझ रहे हैं, और कैसे जो है आप भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करते हैं, कैसे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलते हैं, ये सारे उपयोग के लिए हमने वीडियो पहले दे दिया है, आप उसको देखिए प्रैक्टिस करिए तभी ये जो है वीडियो बनेगी। ठीक है, ये देखिए ए की बीमा बराबर क्या हो गया, पी की बीमा इंटू बी स्क्वायर की बीमा हुआ, पी की बीमा देखिए क्लियर है, पी मतलब क्या चीज, प्रेशर दाब, दाब का बीमा सूत्र ये लिखा हुआ है, लिख दीजिए कितना लिखना है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये दाब का बीमा सूत्र हो गया। वी वेग है, वी क्या है आयतन लिखा हुआ है ना, वेग नहीं आयतन है, तो आयतन का बीमा सूत्र देखिए क्या लिखा हुआ है एल की पावर थ्री, इसका क्या करना है स्क्वायर, एल की पावर थ्री स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो आप जानते हैं इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है, अब गुणे में घटान क्या होता है जुड़ता है, तो इसकी पावर कितना आ जाएगा छः, ये एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू और ये एल की पावर सिक्स हो गया। अब ये देखिए पावर
और सिक्स है, ये माइनस वन है, ठीक। छः में ये छः प्लस में, एक माइनस में, तो एल की पावर कितना आ जाएगा, छः में से एक गया पाँच, एम एल की पावर फाइव लिख देंगे, टी की पावर माइनस फाइव लिख देंगे, ठीक। ये आ गया इसका ए अज्ञात राशि का विमीय सूत्र, ए की विमा आ गई, ठीक, एम एल की पावर फाइव टी की पावर माइनस। अब आइए बी की बात करते हैं, तो बी में भी तो देखिए क्या लिखा है, वी आयतन, आयतन को घटाया गया है। अब हमने पहले ही बता दिया था कि समान प्रकार के भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा तो घटाया जाता है, अर्थात कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि बी का विमीय सूत्र बराबर वी का विमीय सूत्र, वी का विमीय सूत्र बराबर वी का विमीय सूत्र। अब वी है क्या चीज, आयतन, आयतन लिखा हुआ है, आयतन का विमीय सूत्र पहले ही बता चुके हैं, एल की पावर थ्री, ये एल की पावर थ्री हो गया, यानी बी का विमीय सूत्र एल की पावर थ्री हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अज्ञात राशियों का विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं, या अज्ञात राशियों का मात्रक भी लिख सकते हैं, या अज्ञात राशियाँ कौन सी हैं ये हम लोग बता सकते हैं, ठीक। तो बीमा के ये सभी उपयोग हो गए। बीमा के जो है, बीमा निकालते कैसे हैं, इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया था कि आपको मूल राशियाँ सात प्रकार की जो होती हैं वो याद होनी चाहिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ना, ये सारी चीज़ें, और इनके लिए मात्रक क्या होता है, जैसे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या लिखते हैं, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, ठीक। लंबाई के बाद द्रव्यमान था, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड लिखते हैं, समय का मात्रक सेकंड, और आपको पता है लंबाई के लिए यल, द्रव्यमान के लिए यम, समय के लिए टी, हाँ, जहाँ जो दिखाई दे एल, तो मात्रक किलोग्राम, की दिखाई दे मात्रक सेकंड, एल दिखाई दे तो मात्रक मीटर, जैसे इसका हमें मात्रक चाहिए अगर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर की पावर फाइव और सेकंड की पावर माइनस टू, इसका चाहिए तो ये हो जाएगा मीटर की पावर थ्री, ये मात्रक है, ये मात्रक है, ये ए का मात्रक, ये बी का मात्रक, ए का मात्रक, बी का मात्रक, ठीक है। आशा है कि विमीय सूत्र आप लोग को निकालने आ गया होगा, बीमा का उपयोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीमा के कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे जो उपयोग पर आधारित होगा तथा बीमा निकालने पर आधारित होगा, ठीक। तीनों बीमा के उपयोग नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक बार बताएंगे, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, तीनों उपयोग एक साथ बताएंगे, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा बने लेकिन तीनों उपयोग एक साथ बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।